सत श्री अकाल जी, साडे चैनल विच तुहाडा बहुत 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 स्वागत है। आज की वीडियो विच असी बहुत ही वधिया, बहुत ही स्ट्रांग ते पावरफुल उपाय लेके आए हां, जिस दे नाल जेकर तुसी पैसियां तो दुखी हो प्रॉब्लम दूर होनी ही होनी है। इस तो अलावा देखो अजकल हर एक घर विच जेड़ी प्रॉब्लम चल रही है पैसा तो अलावा, ओ है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप विच की हो रहा है, भावे तुसी शादीशुदा जोड़े ले लो जा व्याह तो पहले जेड़े अजकल रिलेशन विच हैगे है जोड़े, ओ सब दुखी हन कि साडा पार्टनर साडी केयर नहीं कर रहा, साडा ध्यान नहीं दिंदा, साडे फोन नहीं चुकदा या फिर सानू ब्लॉक करके रखा है, ऐसा प्रॉब्लम होंदिया है। ता इस उपाय दे नाल ओ भी तुहाडी प्रॉब्लम दूर हो सकदियां हन। इस तो अलावा अपने बच्चियां दे मार्क्स वास्ते खुद बच्चे भी कर सकते हन ए उपा, मावां भी कर सकदियां हन, या फिर तुहाडे व्याह शादी वास्ते तुहाडे मां प्यो नहीं मन रहे हन जो लव मैरिज करदे हन अजकल बच्चे, ओ भी ए उपा करके इस माता पिता नु अपने मना सकते हैं। उस तो अलावा जॉब व्यापार जो बंद हो गया है ओ भी तुहाडे सारिया परेशानियां इस उपाय दे नाल दूर होन गिया। करना की है आपा सॉल्ट इन शूज। हुण तुसी कहोगे ए केड़ा उपाय है, हां जी बहुत ही वधिया उपाय है, ए उपाय करके बहुत वड्डे वड्डे लोगों ने सफलता प्राप्त कीती है। तुसी किधरे भी जाके किसी दा भी मैं तुहानू नाम दसांगी, ओ जॉर्डन नाम दा एक बंदा है, उसने इस टेक्निक नू अपना के इम्पोसिबल अपनी विश नू भी पॉसिबल कीता सी। हां जी पर करना विश्वास दे नाल है। चलो जी हुण इस तो पहले कि मैं तुहानू ए टेक्निक ए उपाय दसां, जेकर मेरी वीडियो चंगी लग रही है तो वीडियो नू लाइक कर दो जी, ज्यादा तो ज्यादा वीडियो नू शेयर करो, ते जेड़े मेरे चैनल ते नवे आए हन तो चैनल नू सब्सक्राइब करो जी। कमेंट विच अपनी हाजिरी दे के परमात्मा दा आशीर्वाद सीधा प्राप्त करया करो जी। ते चलो जी हुण गल करदे हां उपाय दे बारे। ए जेड़ा उपाय है तुसी करना है लगातार 3 दिन, दिन कोई भी होवे पर लगातार 3 दिन शुरू करना है। सोमवार नु शुरू करो तो सोम मंगल बुध, मंगल नु करो तो मंगल बुध वीर, इन शॉर्ट 3 दिन लगातार करना है, पर करना है रात नु सोन तो पहले। ठीक है, करना की है दे विच सानू चाहिदा है अपना शूज। ठीक है, शूज अपना ही होवे क्योंकि जेकर असी अपनी विश पूरी कर रहे हैं, जेकर किसी दूसरे दी विश पूरी कर रहे हो, जिस तरह की मावां जेकर अपने बच्चियां वास्ते कर रही हैं तां ओ शूज बच्चियां दा होएगा। कहने दा मतलब है जिस वास्ते तुसी कर रहे हो ओ शूज उदा ही होना चाहिदा है। ठीक है, चौकड़ी मार के थले फर्श ते बैठ जाना है, ते एक हाथ विच तुसी सज्जे हाथ विच नमक ले लेना है। नमक दी एनर्जी दे बारे तां तुहानू पता ही है, बहुत कुछ कर सकती है। ते नमक नू देखदे होए बोलना है ओ सॉल्ट स्प्रिट। ठीक है, ओ सॉल्ट दी एनर्जी, ओ नमक दी एनर्जी। इंग्लिश विच, हिंदी विच, पंजाबी विच जेड़ी लैंग्वेज तुहानू आंदी है ओ लैंग्वेज यूज करके नमक दे अग्गे प्रेयर करनी है। ओ प्रेयर बिल्कुल सच्ची होनी चाहिए है क्योंकि देखो विश और उपाता ही पूरे होंगे जेकर ओ प्योर दिल दे नाल तुसी मंग रहे हो। ठीक है, तुसी की कहना है कि ए नमक दी शक्ति, ए नमक दी एनर्जी मेरी जॉब लग जाए, या ए नमक दी एनर्जी मेरे बच्चियां दे नंबर बहुत चंगे आन, ए नमक दी एनर्जी मेरे मां प्यो मेरी व्याह वास्ते मन जान, ए नमक दी एनर्जी साडे घर विचो पैसे दी कमी नू दूर कर दो। कहने दा मतलब जो भी विश है तुसी मंग सकते हो, पर मंगनी इको ही विश है। ठीक है, इको विश मंगनी है, फिर 3 दिन बाद तुसी दूसरी विश रिपीट कर सकते हो, पर एट ए टाइम इको ही विश मंगनी है। विश मंगन तो बाद उस नमक नू तुसी इस तरह शूज दे अंदर पा देना है। शूज दे अंदर नमक पान तो बाद उस शूज नू राती सोन तो पहले आपां उपा करना है, ते उस शूज नू अपने बेड दे कोल रख लेना है। ठीक है, ओ बेड दे कोल ही रखना, इस तरह बेड दे नीचे ना रख देना क्योंकि वास्तु दे अनुसार बेड दे नीचे कुछ भी नहीं रखना चाहिदा, शूज जूते तां बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए, इस करके थोड़ा जिहा छुपा के रात नू सोन वेले अपने कोल रख लेना। अगले दिन सवेरे उठ के फिर तो यही प्रोसेस दोबारा करना है, फिर नमक तुसी दूजा नमक लेना है, ते फिर ओ शूज दे अंदर नमक पा देना है, ओही विश दोबारा बोलनी है, फिर रात नू अपने कोल रख लेना है, तीसरे दिन उठना है सवेरे, फिर ओ करना लगातार 3 दिन तुसी उस शूज दे अंदर नवा नमक पाना है।
चौथे दिन जो तुसी सवेरे उठना है ता ओ नमक जिहड़ा तुसी तीन दिन लगातार शूज दे विच पाया है उस नमक नू या ता किसी प्लेट विच चाड़ लो पूरा नमक ऐसा चाड़ के पिछो दी मार थप्पड़ मार मार के शूज दे अंदर पूरा नमक कड़ लो या किसी कागज विच कड़ लो ठीक है। फिर उस नमक नू तुसी जल प्रवाह कर दो अपनी सिंक दे विच कर दो ठीक है। या फिर जेकर कागज विच किता है बाहर जाके किधरे मिट्टी विच दबा के आ जाओ ए कर सकते हो। बस एना ही करना है उस तो बाद तुसी भूल जाना है बिल्कुल भी दिमाग विच नहीं लेना है कि मैं उपाय किता सी उदा फर्क नहीं पिया। जिथे ही तुसी ए सोचा ना देखो की हुंदा है आपा उपाय कर लेंदे फिर सोचते रहते हैं कोई फर्क नहीं पिया कोई फर्क नहीं पिया। इस दे नाल जेड़ा साडा प्रोसेस चल रहा हुंदा है ना क्योंकि देखो उत्ते परमात्मा भी तो बहुत काम तो साडे हो रहे हैं परमात्मा भी तो उत्ते सारयां दे काम कर रहा है पर सानू नजर थोड़ी ना आ रहा है। ते इसी तरह उपाय दा जेड़ा प्रोसेस है ओ शुरू हो जांदा है जदों आपां कर लिया ते ओ प्रोसेस हुंदियां हुंदियां थोड़ा जिहा टाइम लगदा है सबर रखण दी जरूरत हुंदी है। जिथे असीं सोचदे आं कुछ हो नहीं रहा हो ही नहीं रहा उत्थे एनर्जी घट जांदी है ठीक है जी। कर दित्ता तीन दिन भुल जाओ ऐ तुहानूं मैं गारंटी दिंदी हां कि तीन दिन दा जिहड़ा काम तुसीं कीता ना इस दा असर तुहाडी जिंदगी दे उत्ते सारी जिंदगी पेगा सारी लाइफ ए रेमेडी तुहाडे उत्ते असर करेगी और पूरा मतलब जो विश मंगी है ना पूरिया होंदिया रहनगियां हमेशा वास्ते एना विश्वास रखना ठीक है। ए करन तो बाद तुसी जेकर दूसरी विश मंगनी है तो दूसरी भी विश मंग सकते हो करके देखो बड़ी ही जबरदस्त तुहानू टेक्निक है बड़ी जबरदस्त रेमेडी है उपाय कह लो रेमेडी कह लो बड़ा ही ज्यादा अच्छा फर्क तुहानू पैना है। बस जेकर तुसी अपने पिता जी वास्ते कर रहे हो तो उन्हां दे पिता जी दा शूज रात नू चुपके नाल चुक के कर देना ताकि ओ तुहाडे व्याह शादी वास्ते तुहानू अप्रूवल दे देन। या फिर कई बारी हुंदा है कि तुहाडे पिता जी होंदे हन कि बहुत ही ज्यादा एक मैनू कमेंट विच एक बच्चे ने लिखा से कि वो बड़े ही सानू परेशान करदे हन साडे घर विच जो कुछ है अपनी ही चलांदे हन कहन दा मतलब ता ऐसा नहीं हुंदा ना कि अजकल सारयां दी राय लैनी चाहिदी है मिलजुल के चलना चाहिदा है। ओ जमाने चले गए हैड ऑफ द फैमिली मतलब पूरा अपना जबरदस्ती किसी ते अपना जोर नहीं चला सकते ठीक है। रिस्पेक्ट गिव एंड टेक हुंदी है ते ओ तुसी कर सकते हो उना दा शूज लेके कहन दा भाव यही है कि जिस बंदे दा तुसी वास्ते विश मंगनी है जिस बंदे वास्ते उपाय करना है ता शूज उसी बंदे दा होना चाहिदा है लगातार तीन दिन। ते देखो जी हुन कोई भी कमेंट कोई भी कन्फ्यूजन होएगी ता कमेंट विच मैनू करके पूछ लेना वैसे ता मैं तुहानू बहुत ही ज्यादा डिटेल विच समझा दिता है जी। ते चलो जी हुन मैनू इजाजत दियो मिलदी हां अगली वीडियो विच तुहाडी किसी होर परेशानी दा वधिया जिहा हल लेके।